मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा में एक इमारत की पांचवी मंजिल से गिरकर 10 साल की मंतशा खान की जान चली गई। यह हादसा आज दोपहर के वक्त हुआ है। यह हादसा मुमरा के सैनिक नगर के इब्राहिम मेंशन में हुआ है। इस हादसे से परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि मंतशा खान कपड़े सुखाने के लिए गई थी, मगर इमारत में लिफ्ट लगाने के लिए जो जगह छोड़ी गई थी उसके ऊपर फ्लाईबोर्ड रखा हुआ था और काफ़ी बारिश होने की वजह से ये फ्लाईबोर्ड जो है सड़ चुका था और मंतशा खान उसी फ्लाईबोर्ड के ऊपर चली गई और पांचवें मंजिले से ये नीचे आकर गिरी। हालांकि तत्काल इसे प्राइम हॉस्पिटल लाया गया, मगर डॉक्टरों ने मंतशा खान को मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि मंतशा खान गुजरात में रहती थी और अपने परिवार से मिलने के लिए मुमरा के सैनिक नगर के इब्राहिम मेंशन में पांचवी मंजिले पर मिलने के लिए कुछ दिन पहले ही आई थी और आज पांचवी मंजिल से गिरकर मंतशा खान की जान चली गई है। इस पूरे हादसे पर मंतशा खान के मामा अब्दुल कलीम और इब्राहिम राउत ने इस हादसे को लेकर क्या कुछ जानकारी दी है, सुनिए। क्या नाम है आपका? अब्दुल कलीम। क्या लगती थी वो आपकी जो भतीजी? नाम क्या देंगे आप? वो कपड़ा फैलाने गए थे, जब कंबल था ऊपर फैलाए थे, कोई उतारने के लिए गए थे, गिर गई थी। कितने बजे हादसा हुआ था? ये अभी 2-3 घंटा हुआ है सर। नाम क्या था? मंतशा खान। अच्छा, कितने साल? 10 साल। तो आप लोग कहीं गुजरात में रहते थे, यहाँ रिश्तेदारी में आए थे? गुजरात से आए थे घूमने। किन के घर पर आए हुए थे ये? अबू, अपने अबू के घर पर। ऊपर उसको भेजा किसने था? वो कपड़ा उतारने के लिए भेजे थे अम्मी उनके। इब्राहिम भाई, ये जो घटना हुई है, इस घटना को लेकर क्या कहेंगे आप? किस तरह की आपको जानकारी मिली है इस पूरे घटना को लेकर? एक्चुअली मैं आइडियल मार्केट रोड का काम चल रहा था, वहीं पे उसका देख रेख कर रहा था, काम करवा रहा था। उनसे मुझे कॉल आया कि ऐसा ऐसा हादसा हो गया यहीं से हॉस्पिटल से, जो सैनिक नगर में हमारे भाई लोग रहते हैं उन्होंने कॉल किया, तो मैं वहाँ पर पहुँचा। आने के बाद पता चला कि बिल्डिंग टेरिस पे से एक बच्ची नीचे गिर गई। तो ऐसी मुमरा में एक ही बिल्डिंग नहीं है, बहुत सारी बिल्डिंग है। मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि देखो, ऐसे हादसे बिल्डिंग में बहुत सारी अधूरी पड़ी हुई है, उसको जो है अभी बना के लिए, ताकि ऐसे हादसे ना हो। एक हादसा थोड़ी सी लापरवाही की वजह से, बेचारी मेहमान आई थी यहाँ पे गुजरात से कहीं, 10 साल की मासूम बच्ची जिसकी एक डेथ हो गई, अगर उस पर साइड से बॉर्डर वगैरह रहती तो ये आज ये हादसा नहीं होता।